जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जून और 12 जून 2022 के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। ग्रहों का प्रभाव कैसे रिजल्ट देगा आपको, जो चंद्रमा है वो किस तरह के मन को परिवर्तित करेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, प्रेम जीवन कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपकी दुकानदारी कैसी चलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव होंगे, तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र, योग, इनके बारे में जान लेते हैं। तो बात करेंगे हम 11 जून के बारे में। तो ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 5:45 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र है इस दिन और परिग नाम का योग बना हुआ है। ये जो स्वाति नक्षत्र है ये बेहद शुभ नक्षत्रों में से एक आता है, शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और इसे शुभ मुहूर्त में भी शामिल किया गया है। परिग नाम का योग शाम तक है, उसके बाद शिव नाम का योग बनेगा। चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है, यानी आपके भाग्य भाव में चंद्रमा आ चुके हैं और सूर्य जो है वो वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में है। इसके अलावा इस दिन जो योग का निर्माण हो रहा है वो है त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, दो बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। त्रिपुष्कर योग बनेगा जो 3 गुना लाभ की प्राप्ति कराता है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। 12 जून का दिन, तो ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, विशाखा नक्षत्र रहेगा इस दिन। विशाखा नक्षत्र भी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है और शुभ मुहूर्त में भी स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, शिव नाम का योग बना हुआ है। शिव नाम का योग भी बड़ा ही उत्तम योग है और श्रेष्ठ योगों में से एक योग माना जाता है। सूर्य वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में है, रवि योग बनेगा इस दिन और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। तो ये हो गई है ग्रहों की स्थिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अब ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की हम बात करें तो देखिए चंद्रमा दोनों ही दिनों में आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, यानी कि तुला राशि में रहेंगे। इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बाकी ग्रहों का भी प्रभाव आपको समय समय पर देखने को मिलेगा। तो आज आपके कामकाजी जीवन में आपके वरिष्ठों की वजह से दबाव रह सकता है, काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है, जो आपको पूरे तरीके से यानी पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। और घर में किसी तरह की कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो वो आपके काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। तो इसके लिए आपको ऐसी चीजों को थोड़ा लाइटली लेना है, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है ताकि आप अपने काम पर ध्यान दे सकें। जो लोग करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझ कर कदम रखने की जरूरत है, वरना आप थोड़ा बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। बाकी आपसी मेलजोल बढ़ेगा, आपसी जुड़ाव में इजाफा होगा और प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत अनुकूल है। कह सकते हैं प्रेम का बुखार सर चढ़ने को तैयार है, उसका अनुभव कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अपने समय की कीमत को समझें। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं वो गलत है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको समझ ही नहीं आता है, और ऐसा करना आपको भविष्य में परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। तो ऐसे कार्य करें जो आपकी समझ में आते हैं, ऐसे कार्य करें जो आपको अच्छे लगते हैं। आज का दिन बेहद खास भी हो सकता है, बढ़िया खाना, रूमानी पर, जीवन साथी का साथ, परिवार का साथ, ये सब आपके लिए आज के दिन आपको प्राप्त हो सकता है। आपके पास पर्याप्त वक्त भी होगा और अपना जो अपना कीमती आपका पल है उनको ख्याली पुलाव पकाने में ना गवाएं बल्कि उन पर अमल करने में गवाएं। उन कार्यों को करें जो आप करना चाहते हैं, जो जेन्युइन चीजें हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। साथ में भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें, आज थोड़ा ज्यादा भावुक आप हो सकते हैं। खर्चे का योग भी बना हुआ है, किसी न किसी तरह के खर्चे भी होने वाले हैं।
और इस समय आप अपने परिवार के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, उनको अपनी तरफ आप लेकर आ पाएंगे और समय पर जिस भी निर्णय में आपको अपने परिवार की जरूरत होगी उस समय आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। आज कुछ अच्छी चीजें होंगी, जैसे आप किसी तकनीकी क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, तकनीक से जुड़ी चीजों में आप निवेश भी कर सकते हैं, तो ये निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और वो काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे वो आपके लिए भी शांति देने वाला होगा और उनके लिए मददगार साबित होगा। आपके खुद के दिल में भी अपनी छवि जो है वो सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक दिख रहा है। कुछ लोगों के मन में कुछ उथल पुथल रह सकती है जो सिंगल हैं उनके मन में, तो उनको थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल जरूर करना होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपके लिए आज कुछ लोगों की मददगार पाने वाला भी साबित होगा। अच्छा, कुछ जो नेगेटिव चीजें हैं उनके लिए आप उपाय कर सकते हैं। आज योग तो बहुत अच्छे हैं, जैसे त्रिपुष्कर योग बना है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, तो आपकी ज्यादा कोशिश से आपको लाभ प्राप्त तो होगा। लेकिन जो करीबियों के साथ थोड़ा बहुत आपको परेशानी वाला सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके लिए आप उपाय जरूर करें। और उपाय के तौर पर आप एक तांबे का जो सिक्का है, तांबे का एक सिक्का या तो आप पानी में बहा सकते हैं या फिर आप कोई तांबे की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं, ये आपको एनर्जी देगा। अब 12 जून की बात करेंगे। 12 जून का जो दिन है इस दिन चंद्रमा इस दिन भी भाग्य भाव में ही है। भाग्य भाव के चंद्रमा आपके लिए स्थितियां तो अच्छी निर्मित कर रहे हैं और पूरा दिन वैसे तो भागम भाव में बीतेगा, लेकिन ये छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आज आप दूसरों को अपनी बात मनवा सकते हैं, यानी आपको किसी से अगर बात मनवानी है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक तौर पर ठीक ठाक समय है। जो व्यापार करने वाले जातक हैं आज वो कहीं ना कहीं अपने कामकाज की वजह से यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोग कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो योजना आपकी एन वक्त पर आखिरी वक्त पर टल जाए, तब आपको थोड़ा काफी बुरा भी लग सकता है। शादी के योग्य जो जातक हैं और उन्होंने जो बहुत सारे वादे किए हैं वो सभी वादों को निभाना चाहेंगे। जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। शाम का समय एक कैंडल लाइट डिनर या एक डिनर के लिए आप जा सकते हैं जो आपके हफ्ते भर की थकान को दूर कर सकता है, तो उत्तम समय रहेगा। और गृहस्थ जीवन काफी सामान्य बना हुआ है, कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि एक दूसरे पर विश्वास जमेगा और रिश्तों में रोमांस भी रहेगा। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के लिए दोनों दिन ही बहुत उत्तम बने हुए हैं। ये दोनों ही दिन आप अपनी शिक्षा पर ज्यादा फोकस करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा टाइम आप अपने लिए निकाल पाएंगे, अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे, तो उसी तरह से आपको उसका ध्यान देना है। देखिए, भाग्य भाव में चंद्रमा है, योग बहुत अच्छे हैं और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, तो इस समय का आपको पूरा लाभ जरूर उठाना चाहिए। बाकी अगर इस दिन की हम उपाय की बात करें 12 जून के बारे में, तो एक तो लाल रंग पहने आप, और जो सुबह का जो समय है ना वो बहुत भाग्यशाली रहेगा, 10 बजे से 11 बजे तक का। अगर आप कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।